गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 9 बजे है और आज मैं बहुत जल्दी उठी। क्यों जल्दी उठी? क्योंकि आज मैंने मार्केट जाना था और जैसे आज क्रिसमस की शॉपिंग करनी थी और मैंने फटाफट उठ के खाना बना लिया, नाश्ता भी मैंने कर लिया। क्योंकि होता है ना कि मार्केट जाना तो जल्दी जल्दी काम करो, खत्म करो, वैसे ही मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी काम किया, खाना वगैरह बनाया, कुणाल को भी दिया नाश्ता और मैंने भी कर लिया। अब गाइस, अब घर का थोड़ी काम रहता है, घर पर खिला रहा हो तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता मुझे पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि घर का खिला रहा हो तो, लेडीज को तो बिल्कुल नहीं। और जैसे गाइस, अब मैं घर का काम कर लेती हूँ, फिर मैं काम करके मैंने नहाना भी है, फिर गाइस फिर हम जाएंगे मार्केट। तो चलिए मैं काम करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जैसे गाइस, मैंने घर का काम खत्म कर लिया है, पूरा काम हो गया, सफाई डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा एंड क्लीन हो गया घर। और घर क्लीन होता मजा ही कुछ और है। और जैसे गाइस, अब मैं घी बनाने जा रही हूँ, घी बनाने के बाद फिर मैं रेडी होने जाऊंगी। तो चलिए घी बनाने। गाइस, जैसे कि मैं किचन पर आ गई हूँ, ये देखिए ये हमारा 1 हफ्ते का मलाई है, इससे आज हम घी बनाएंगे। और मैं ज्यादा ऐसे करती हूँ कि घर का दूध हो तो उसके जब उबाल के मलाई इकट्ठा करके घी निकालती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है घर का। हाँ, जब ये घर का नहीं होता है, जैसे कि हम दूध ज्यादा पी लिया नहीं निकाल पाते, फिर हम बाहर से मार्केट से लेते, ज्यादातर तो मेरा घर का ही देसी घी होता है। तो चलिए मैं ये बड़े पतीले में मलाई निकाल लूं, फिर मैं इसका मक्खन कैसे निकालती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, और घी कैसे बनाती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी, क्योंकि घर का जो देसी घी होता है उसका टेस्ट ही बड़ा बढ़िया होता है। तो आप भी ट्राई करना और आप भी ऐसे ही घी बनाना। ये देखिए गाइस, मैंने सारा मलाई बड़ा पतीले में डाल दिया है। और जैसे गाइस, ये फ्रीज से मैंने 3 घंटे पहले निकाल लिया था, क्योंकि ठंड में गाइस ज्यादा ठंडा हो तो नहीं बनता है। तो गर्मियों में आप जैसे अब फ्रीज से निकाले वैसे बना लेना, क्योंकि ये फिर बाद में 2 घंटे बाहर रखोगे तो मेल्ट हो जाएगा और बनेगा नहीं मक्खन। तो ठंड में आपने 2-3 घंटे पहले निकाल के इसका मक्खन बना लेना। और जैसे मैंने नीचे कपड़ा रख लिया है, और अब मैं कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मलाई, जैसे गाइस मैं मलाई का मक्खन बनाने जा रही हूँ, ये मैं देसी तरीके से बनाती हूँ, ये मदानी से बनाती हूँ, मिक्सी से मुझे बनाना अच्छा नहीं लगता और मुझे देसी काम अच्छा लगता है कि ऐसे हाथ से घुमाओ इसको फिर निकालते जाओ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो 2 मिनट में निकल जाएगा। ये मैं ऐसे निकाल लूं फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, काफी टाइट हो गया है, ये देखिए मैंने 2 मिनट इसको ऐसे ऐसे किया था, ये देखिए कितना थिक हो गया है, अब फटाफट निकलने वाला है, मैं निकाल लूं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, हमारा मक्खन निकल गया, ये देखिए पानी जैसे ऐसे निकला, तो इसका मतलब ये देखिए आपका मक्खन रेडी है। और टाइम तो मेहनत तो लगता है, गर्मी गर्मी हो गई है ठंड में भी। और इसको अब हम वॉश कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, हमारा ये मक्खन निकल गया, ये देखिए कितना बढ़िया है और कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और चलिए इसको हम गैस में रख देते, जैसे गैस ये देखिए हम गैस ऑन कर देते हैं और इसको बनने देते हैं। ये होली थोड़ी तेज गैस करेंगे, ये पिघल जाएगा तब तक, फिर उसके बाद सिम गैस कर देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी घी कैसे। ये देखिए गैस मेल्ट हो रहा है हमारा मक्खन, ये देखो, ये देखिए गैस हमारा घी रेडी हो गया। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखिए। और जैसे गाइस की ये देखो दिखने लगा ना, जैसे लग रहा पानी है, तो ऐसा करना है आपने और घी आपका रेडी हो जाएगा। ये देखिए जैसा हमारा रेडी हुआ है और बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो नीचे भी दिख रहा है कि हमारा एंड घी रेडी हो गया और पीला पीला सा, ये देखो जैसे हमारा घी रेडी है। अब हम इसको बंद कर देते हैं, सिम गैस में बनाया है ये देखिए, और अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो हमारा घी रेडी हो गया, थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा, फिर इसको हम छाननी से छान के रख लेंगे। जैसे गाइस घी निकल गया हुआ है और बहुत बढ़िया हुआ, और घर का काम सारा हो गया। और घर का काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जस्ट मैंने आपको दिखाया है कि मैं क्या काम कर रही हूँ और मैंने घी कैसे निकाला,
तो आप भी ऐसे निकाल सकते हो। और जैसे गाइस अभी हमने जाना है मार्केट, उसके करके मैं आज जल्दी उठी, फटाफट काम किया, क्योंकि जब काम खत्म हो करके मार्केट जाओ ना बड़ा अच्छा लगता है। जब काम छोड़ के जाओ फिर मार्केट से आओ, थका होता है इंसान, फिर काम करने का मजा नहीं आता है, और थका तो वैसे ही होता है मार्केट से। तो चलिए गाइस अब मैं नहा लूँ, मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं पहले घर का काम कर लेती हूँ, फिर नहाना अच्छा लगता है। तो चलिए, और आप कैसे बनाते हो मुझे बताना जरूर, कि ये मक्खन कैसे बनाते हो, मिक्सी में बनाते हो कि ये मदानी से बनाते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, जैसे गाइस मैं रेडी हो गई, फटाफट रेडी हुई, नहा भी लिया, रेडी तैयार सर फटाफट हो गई मार्केट जाने का। तो जब जल्दी होता है ना कि मार्केट जाना तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, वैसे मैं भी फटाफट गाइस तैयार हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मार्केट जाना, घूमना, यू नो, बहुत बढ़िया लगता है। आप सबको कैसा लगता है मार्केट जाना, अच्छा लगता है? जैसे क्या लेके आएंगे, क्या लेंगे, बड़ा ये होता है। तो चलिए गाइस अब हम चलते हैं मार्केट और क्रिसमस की शॉपिंग करते हैं, देखो क्या क्या लेके आते हैं। और आज गाइस हम सीधा आपसे मार्केट मिलेंगे, तो चलिए गाइस। गाइस जैसे कि हम मार्केट आ गए हुए हैं, तो अभी करते हैं क्रिसमस की शॉपिंग, फिर हम आपसे मिलते हैं गाइस। गाइस हम आ गए, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा, और देख रहे हैं क्रिसमस के सामान लेने के लिए, फिर देखते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि हम कहाँ से लेते हैं। ये देखिए गाइस हम आ गए दुकान पर, और हम लोग देख रहे हैं कि हमने क्या लेना है, डिसाइड कर रही हूँ कि क्या लूँ, और देख रही हूँ। ये देखिए गाइस मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे सामान है डेकोरेशन के लिए क्रिसमस के, और ये देखिए बहुत प्यारे प्यारे यार, और क्या लें समझ नहीं आ रहा था। ये देखिए बेल वगैरह, स्टार, काफ़ी कुछ है, क्या समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। ये देखो, ये तो मुझे बहुत अच्छा स्टार लगा ना, बहुत बढ़िया, इसकी शाइन कितनी अच्छी लग रही थी। ये देखिए फ्लावर कितने अच्छे हैं, ये देखिए गाइस कितना बढ़िया है ब्रीथ, और कितना बढ़िया है यार ब्रीथ, बहुत अच्छा है। और ये देखिए, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया सामान है यहाँ पर। और ये देखिए बॉलिक्स वगैरह, बॉल वगैरह, क्रिसमस के ड्रेस रेड ऑन वाइट कलर के, और कितने बढ़िया बढ़िया, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए और टेडी वेयर भी है, ये देखिए ये बेल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, डोर बेल जैसे होते हैं लटकाने वाले, ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर है, ये देखो बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए सही है ना, बहुत मस्त है। लोग काफ़ी यहाँ से क्रिसमस के सामान लेके जाते हैं, बहुत बढ़िया है। टेडी बेयर तो मुझे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, टेडी बेयर लिया नहीं मैंने, वैसे वीडियो बनाया मैंने। गाइस हमने ये दुकान से सामान लिया, ये इनका कार्ड है, आप भी यहाँ से ले सकते हो। जैसे हमने गाइस सामान ले लिया है, और आपको मैं दुकान दिखा रही हूँ, ये देखिए दुकान, और आप भी आना यहाँ पर ज़रूर। तो चलिए, जैसे गाइस हमने सामान ले लिया है, अब हम बाहर जा रहे हैं। अब हमने क्लॉक लेना है घर के लिए, तो हम सोच रहे क्लॉक ले लिए, तो फिर अब हम जाते हैं, आपको वहाँ जाके मिलते हैं कि कौन से दुकान में हम जा रहे हैं। तो जैसे गाइस हम दुकान में आ गए, ये देखिए मैंने ये दो घड़ी क्लॉक निकाला था, और मुझे ये दो में से एक पसंद आया है। और ये देखिए इनकी दुकान कितनी बड़ी है, और कितना हर शॉप से लिया, और बहुत बढ़िया है, आप भी ले सकते हो, और हमने ले लिया, अब हम जा रहे हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं। गाइस जैसे कि हम शॉपिंग करके आ गए हैं घर, और भीड़ तो गाइस बहुत ज्यादा था, और हमने डिस्टेंस बहुत रखे थे, और मास्क भी पहना था, और काफ़ी टाइम लगता है गाइस मार्केट जाओ तो, ये दुकान में जाओ, वो दुकान में जाओ, ये चीज़ पसंद करो, वो करो, आपको भी पता ही है कितना टाइम लगता है। और जैसे कि गाइस क्रिसमस आ रहा है, तो हमने क्रिसमस की शॉपिंग करनी थी, और ट्री वगैरह लेना था, और क्रिसमस ट्री गाइस मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, छोटा सा लिया। और जैसे जैसे जो जो मैंने सामान लिया है मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन मैं घर डेकोरेशन करूंगी, और आपको अपना घर भी दिखाऊंगी और मैंने कहाँ कहाँ कैसे डेकोरेशन किया, और इतना ज़्यादा नहीं करूंगी, नॉर्मली करूंगी। और जैसे कि गाइस चलो, मैं 5 बज गए, और काफ़ी टाइम भी हो गया, और मैं घर का भी काम कर लूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, और फ्रेश भी हो जाऊँ, काफ़ी डस्ट वगैरह भी हो गया, बाहर जाओ तो आपको पता ही है, तो उस करके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा, और बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते, बाय।